हेलो, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हुई वीडियो के माध्यम से। और मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट आज वीडियो अपलोड किया क्योंकि कुछ मकाम पे बिजी थी। एक्चुअली मेरा बच्चे का फिर से मतलब पूरा कैसे पता नहीं है वायरल फीवर अगेन हो गया था, तो पूरा हम लोग बहुत अभी मतलब अच्छा नहीं है हेल्थ। तो एनीवेज मैंने कुछ ये जो बेसिकली ये जो मंथ है ना, ये तो पूरा हैप्पी न्यू ईयर एंड क्रिसमस का मौसम है, तो उसमें मैंने सब रेड वाला क्लीनिंग एंड रेड वाला जो मेरा कुकिंग वगैरह है सब रेड रेड है, तो वही दिखाने का कोशिश किया। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. ये बेसिकली मेरा ये आप बोल सकते हो छोटा मोटा मिनी शॉप है। इसके अंदर मेरा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सब रखती हूँ। ऊपर तो आप लोगों ने देखा ही है कितना सारा चीज़ें मैंने ऊपर रखती हूँ, रिफिलिंग करती हूँ, बट इधर एक्स्ट्रा जो मान कर रहता है वो रहता है। तो मैं मतलब कभी कट करके रख देती हूँ। ऊपर तो इतना प्लेस नहीं है, दो कवर है ओनली, एंड इसलिए इधर सब कुछ रखती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें। एंड ये पूरा गंदा हो गया था, बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा घर में ना कॉकरोच बहुत ज़्यादा है। मैं जितना भी ट्राई करूँ कॉकरोच जाता नहीं है। कितना क्लीन करके रखती हूँ बर्तन में, इवन आके एवरी मतलब पॉटी करके जाता है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है मेंटेन करना। एंड एवरी डे बर्तन कुछ गंदा होता है, दो दिन होता है फिर से मैं धोने के लिए डाल देती हूँ, ऐसे करके मैं मेंटेन करती हूँ। और मैं इसके अंदर भी मैं स्प्रे लगाती हूँ फिर भी जाता नहीं है। तो चलिए मैं देखिए ऐसे बास्केट के अंदर अंदर सब रख देती हूँ, सो दैट कॉकरोच का हाथों में ना आए कुछ, किसमें बाइट नहीं कर पाए। और एक में मैं मेरा स्टेशनरी चीज़ें रखती हूँ, एक में मसाला पूरा ये दिख रहा है, मसाला का डब्बा है ये, मतलब मसाला का जो चीज़ें एक्स्ट्रा रहता है वो। और ये देखिए सब मूरी है, ये सब रिफिलिंग करूँगी। और ये सॉल्ट मैंने बाहर ही रख दिया, और ये सब बाहर रखेंगे। और ये दो देखिए केक का जो दो मैंने ऐसे लिया था वो यूज़ नहीं किया है। सोच रही हूँ, देखती हूँ आज रात को ऐसे ये बना लूँगी दो केक। और अभी केक का मौसम भी है और ये बहुत दिन हो गया, मैं खा लूँगी नहीं तो फेंक दूँगी। अच्छा और क्या, तो चलिए अभी सब हो। हाँ, और ये जो मास्टर ऑयल है ये भी अंदर उधर मतलब रिफिलिंग करूँगी। तो चलिए मैं कुछ कुछ ये सब देखिए डब्बा, ये मूरी का डब्बा है, हाँ इसमें रिफिलिंग करूँगी। तो अभी चलिए सब अंदर कर देती हूँ, और मुझे बच्चे को लेने के लिए भी जाना है, देर हो रहा है। और आप लोगों को तो पता ही है बैंगलोर में ना तो मतलब ये सब कपड़े का बैग ही अलाउड है, प्लास्टिक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ऑल ओवर इंडिया में, बट बैंगलोर में ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड इसलिए मैंने थोड़ा सा कपड़े का बैग उधर रख दे रही हूँ। एंड ये रिफिलिंग कर रही हूँ, मूरी है, मूरी का डब्बा बहुत बड़ा डब्बा है, देखने में छोटा लग रहा है बट एक्चुअली बहुत ही बड़ा है। और ये सब मैंने धो के रखा था सब, अभी रिफिलिंग कर रही हूँ। सॉल्ट ख़त्म हो गया था अभी, तो देखिए छोटा छोटा जहाँ पर चाहिए सब सॉल्ट में भर्ती करके बाकी जो पैकेट है उसको मैं कैसे करके रखती हूँ वो लोग अब लोग चेक कीजिए। और मास्टर और रिफिलिंग करते करते ना हाथों में लग जाता है, वो मैं इसे हाथों में लगा लेती हूँ। जब छोटे थे ना हम लोगों को मम्मी क्या करते थे, हम लोग को अच्छा मालिश देते थे मास्टर ऑयल का, दिए सनलाइट में दे देते थे,
तो मतलब बहुत हेल्दी होता है। एंड स्टिल मेरा इवन आप लोग सोचोगे क्या लड़की है, कुकिंग करते करते मेरा कहाँ पर भी थोड़ा सा लगे ड्राई हो गया, मैं मास्टर लगा लेती हूँ। और जो लोग बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है वो लोग को तो लगता है ना ये देखो अच्छा नहीं है ब्लैक हो जाएगा, बट मैं ब्लैक और वाइट कुछ का उसका परवाह नहीं करती हूँ, मैं जैसे हूँ ऐसे ही अच्छी हूँ मुझे लगता है ऐसे। और मतलब सब लोग और देखिए इसमें ना थोड़ा सा खाना गिर गया था, मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करवा रही हूँ। और ये पैन में नया पैन में मैं जो बर्थडे गिफ्ट मिला था उसमें ही नया नया चीज़ें कुछ रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये बांदा कपी है तो चलिए देखते रहिए। इसको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में 5 मिनट देकर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर देखिए क्या क्या मसाला मैं डाल रही हूँ। सो थोड़ा सा चिली पाउडर, देन चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आपका जीरा एंड क्यूमिन पाउडर सब देके थोड़ा सा एक साथ फ्राई कर लूँगी। और कुछ देर भूनने के बाद टोमेटो ऐड कर दिया है एक। बस तू रान्ना करो ना कि। और सॉल्ट और शुगर ज़रूर ऐड किया है मैंने और बॉईल होने के लिए रख दिया है। और बॉईल होने के बाद मैंने थोड़ा सा अंडा, 2-3 अंडा जितना चाहिए आपको, थोड़ा सा गरम मसाला एंड लास्ट को घी। बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर पका के देखो, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आप लोगों को डिनर लंच जो भी दिखा रही हूँ ये 25th का आसपास का ही है। ये मैंने बटर पनीर मसाला बनाया था एंड ये है 25th का स्पेशल इवनिंग बोल सकते हो। की बन अच्छो केक ये केक का ऑलरेडी बैटर था, मैं थोड़ा सा फेट लिया है ऑयल टॉयल देकर एंड इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट चेरी रेड चेरी को रेड है इसलिए बादाम कुछ ऐड कर दिया है। और मैंने ये चिकन बटर मसाला बना रही थी इसमें ऑनियन गार्लिक सब फ्राई कर लिया है, उसके साथ थोड़ा सा काजू बादाम एंड उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रखा था चिकन को, उसको फ्राई कर लिया है अच्छा 5 मिनट ऐसे अच्छा करके फ्राई करना पड़ना है। फिर जो आपको दिखाया था पेस्ट बना लिया है उसको ही मतलब देकर चिकन देकर सॉल्ट एंड थोड़ा सा जीरा पाउडर शूट नहीं हुआ है, थोड़ा सा गरम मसाला एंड अच्छा करके थोड़ा सा पकाना है 15-20 मिनट्स। एंड इस साइड पे मैं बना रही हूँ ऑनियन पीस पुलाव, जो जीरा पीस पुलाव एक्चुअली, तो मेरा ये है। एंड इसके साथ थोड़ा सा मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिया है, बटर मसाला में कैप्सिकम जाता नहीं है बट मैंने पसंद करती हूँ इसलिए मैंने डाला है। एंड देखिए ये इसको गर्म करने के लिए बैठा दिया है और ये हो गया। तो चलिए आप लोग देखते रहिए, थोड़ा सा सब कुछ मैं शक्कर ऐड करती हूँ मुझे अच्छा लगता है। और इसको एक सीटी लगा लूँगी एंड ये इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड प्रेशर कुकर चिकन नहीं तो नहीं खाता है, एक सीटी लगाना ही है। बटर एक चंक बटर दे दिया है एंड हो गया मेरा चिकन बटर मसाला गर्मा गर्म एंड पीस पुलाव, देखिए वाव कितना खिला खिला बना है ना। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय।